हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ गज़ल जोशी। हम कर रहे हैं साइंस का 10th क्लास का चैप्टर 1, लाइफ प्रोसेस। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, आई विल बी क्लियरिंग यू द वर्ड मीनिंग ऑफ लाइफ प्रोसेस। कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है? द वर्ड लाइफ मीन्स स्टूडेंट्स लिविंग, प्रोसेस मीन्स इवेंट्स, those events which make a organism living is said to be life process. So life process, aap bachche kya samajhte hain? The daily activities you perform. For example, a student life belongs to coming to the school, doing homeworks daily, playing, eating the delicious food made by the mother, etc. ye sab wo cheeze hain bachcho जो हम इन लाइफ प्रोसेस से कर सकते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस आर द एसेंशियल इवेंट्स परफॉर्म्ड बाय अ लिविंग बीइंग टू सर्वाइव। हम अपनी डेली लाइफ को इसलिए इंजॉय कर पाते हैं क्योंकि हम ये लाइफ प्रोसेस करते हैं। सो बिकॉज वी सस्टेन लाइफ प्रोसेस, वी सस्टेन लाइफ। सो व्हाट इज अ रोल? What is the role of life process? इस life process से हमारे body में metabolism होता है। Metabolism से students energy produce होती है और इस energy से हम अपने daily activities को plan करते हैं। Do you remember the day you don't eat the food in a proper manner? कोई दिन याद है बच्चों जिस दिन आपने पूरा खाना नहीं खाया हो? इवनिंग आवर्स तक, काफ़ी समय तक आपको क्या लगेगा कि यू आर फीलिंग टायर्ड, डिजीनेस, लेजीनेस? वाई सो? योर मेटाबॉलिज्म रेट बिकम स्लो। आपने खाना नहीं खाया, बॉडी में एनर्जी का कन्वर्जन नहीं हुआ, इट मीन्स लाइफ प्रोसेस आर नॉट गोइंग इन अ प्रॉपर मैनर। बॉडी में मेटाबॉलिज्म नहीं है जिसके कारण एनर्जी भी कंप्लीट रूप से नहीं बनी है एंड यू आर नॉट एबल टू एंजॉय योर लाइफ। So what we conclude? Life processes are the essential processes to sustain our life in a proper manner. सभी life processes ज़रूरी हैं ताकि हम अपनी life में energetically perform कर सकें। So what are these life processes? क्या examples हैं इन life processes के? It's not our daily activities as you are looking into the screen. It's the essential process. For example, digestion. दिख रहा है बेटा आपको स्क्रीन पर? डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हम खाने को खाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू डाइजेस्ट करेंगे। सेकेंड, सर्कुलेटरी सिस्टम, अगेन हर्ट इज विजिबल टू यू। थर्ड, एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो ये सिस्टम्स क्या हैं स्टूडेंट्स? ये सिस्टम्स कैसे बने हैं? ये सिस्टम्स हमारे बॉडी में सेल्स से स्टार्ट हुए हैं। यू आर वेरी फेमिलियर विद द वर्ड सेल्स। सेल्स हमने 9th क्लास में सीखा था। सेल्स क्या हैं बच्चों? द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ एवरी लिविंग बींग। सेल्स कंप्राइजेस टू फॉर्म टिश्यूज, टिश्यूज टू ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स टू ऑर्गन सिस्टम्स। जैसा कि आपने देखा, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, एक्सक्रेटरी, ये सब सिस्टम्स अपने अपने सेल्स को यूज़ करके, टिश्यूज को यूज़ करके, ऑर्गन्स को यूज़ करके प्रोसेस करेंगे विच मेक्स अस टू सस्टेन लाइफ। और हम सर्वाइव करेंगे, हम लाइफ प्रोसेसेस करेंगे और अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को एनर्जेटिकली परफॉर्म कर पाएंगे। सो आई एम वाइंडिंग अप द टॉपिक ऑफ द डे। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? द एसेंशियल इवेंट्स परफॉर्म्ड बाय अ लिविंग बीइंग टू सस्टेन इट्स लाइफ इज कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेस। व्हाई इट इज नेसेसरी? टू मेंटेन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, टू गेट एनर्जी, टू सस्टेन लाइफ। Examples of life process students: digestive system, circulatory system, excretory system, many more like respiratory system and nutrition. These are also the examples of our life process. Thank you students.